हेलो। सब कहेंगे इतनी सारी लिपस्टिक लगा दी परी को। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। अच्छा लो, हेलो गुड आफ्टरनून। आज है मैं ये पूछ रहा था, वो जो सिंगू क्या है, सिंगू सिंगू गए और के वो है बात। लिपस्टिक ज्यादा लगा ली ऐसे वीडियो में, वीडियो में ज्यादा दिखाई दे रही, इतनी है नहीं जितनी लगाई है। एंड हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बीबी के घर। हम जा रहे हैं परी की बड़ी बुआ के घर। वहाँ पे कौन है? बीबी। बेबी है वहाँ छोटा सा, तो बेबी परी जा रहे हैं बेबी को देखने। और लिप्स परी के इतने भारी भारी लग रहे हैं, दिखाने पड़ जा मेरे को, इतने लगा रखे थे तो लग रही थी जो मैटी वाली है, तो वो ड्राई होकर के कुछ ज्यादा ही वो ऐसे लग रहे हैं कि इसने ज्यादा लगा रखी है। परी ने पहनी न्यू ड्रेस, ये परी की नानी ले गई थी पिछले साल, जो कि इस साल परी ने पहनी है। ये बहुत अच्छी नानी है। और अगले साल परी और अच्छे से बोलने लग जाएगी, तो अगले साल हम परी का चैनल ओपन कर देंगे परी व्लॉग्स करके, है ना परी? हाँ। परी अपने व्लॉग्स बनाया करेगी, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो परी बोलती है, मेरे को तो मौका मिलता ही नहीं बोलने का। और ये बहुत प्यारी सी ड्रेस है, अभी फिट हो गई है, मतलब मुझे वैसे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, मैंने रखी हुई थी नए काम, मतलब पिछले साल तो लोग बड़ी थी लेकिन ये सर फिट आ गई, तो पहनाने बहुत अच्छी लगी। ठीक है, ठीक है, तो चलो हम वहाँ जा करके मिलवाएंगे आपको बेबी से। तो बड़ा हो गया ना बेबी। मैंने आप लोग से शेयर किया था जब हम उनका देखो ना बेटा वो देने गई थी, तिलिया देने गए थे तब, और उसके बाद अब भी जा रहे हैं। और ये है जो मकर संक्रांति आती है ना उसके, उसमें मतलब हमारे इधर जाटों में, जाट में ऐसे हरियाणा पंजाब इधर होता ही है, नॉर्थ में, नॉर्थ इंडिया में की जो मकर संक्रांति होती है उस पे लड़की के घर कपड़े वगैरह मिठाइयाँ वगैरह है वो सब जाती है। तो बाकी रहा हमारे पीछे, एक मिठाई नहीं वो गज्जा को रेवड़ी जाती है ना बस। हाँ, गज्जा को लेती है थोड़ी सी। आप फ्रूट ले लेंगे बस, खत्म हो गई और मुझे तो खत्म होती है, बस हम कितने बढ़ गए। हाँ, तो गज्जा को रेवड़ी रहती है लेने और फ्रूट्स, तो वो हम वहीं जाकर के लेंगे और दिखाएंगे आपको सिंगू बॉर्डर का हाल कैसा है। देखते हैं वहां तक जाएंगे नहीं, क्योंकि वहीं से मतलब सिंगू बॉर्डर को क्रॉस करके ही उनका जो गांव है वो आता है। परी के क्या है? फूफा, फूफा जी, फूफा जी, ठीक है। हाँ। तो चलो बाद में मिलते हैं, बाय, बोलो बाय। और विनोद गया है बर्फी वाला के पास, ये एक्चुअली इस बर्फी वाले की बर्फी बहुत अच्छी होती है, ये देखो वहाँ पे सामने बन रहा है ना, यहीं पे बनाता है, तो ये हमारे घर से थोड़ा सा निकलते ही है, तो सही खेड़ा है शायद एक गांव, हाँ खेड़ा, खेड़ा खुर्द लिखा भी हुआ है। तो हमने इसकी एक बार ली थी, मिल्क केक के अलावा जो दूसरा होता है ना, मैं नाम भूल जाती यार, क्या होता है वो मिल्क वाइट वाला, एक तो वाइट और ब्राउन मिक्स होता है वो, नहीं वो जो दूसरे वाला वाइट होता है, प्योर जो वाइट होती है वो मिठाई हम लोगों ने ली थी, और वो रहे विनोद। तो विनोद तो सोच रहा था कि गाजर का हलवा ही ले आते हो, मतलब गाजर हलवे की जो बर्फी होती है वो, बट मैंने बोला कि वो लेना, तो मेरे लिए तो वही ले आना। तो विनोद ले रहा है वहाँ से, देखते हैं क्या लेके आता है, मेरे को कह रहा था कि तू देख ले उतर के खुद क्या लेना है। पापा चलो मैं एक बार चली जाती हूँ, देखती हूँ क्या लेते हैं। थोड़ा सफाई वो रखा हो ना, थोड़ा सफाई दिखनी चाहिए। तू सही है, मीठा तो ज्यादा नहीं है। सही, मीठा कंट्रोल में होता है ना, मीठा कंट्रोल का होता है ना। परी कौन सी खानी है? आपको नहीं खिलाऊंगी। हाँ ऐसे थोड़ी करते हैं।
अच्छा ओ मिठाई ले आए। और देखो मैंने कुछ नहीं पहना हुआ है, मैंने एक्चुअली अपनी जैकेट है, ये वाली जैकेट ये आपको कभी दिखाई दी मैंने, ये वाली जैकेट मैंने रखी हुई है, ये बाद में पहनूंगी क्योंकि गाड़ी में तो गर्मी लगती है। तो हम आ गए थे ऐसे ही पापा ही खोलेंगे बेटा, तो मैं आगे बैठ गई फटाफट से। और ये है विनोद, हेलो हेलो हेलो, बहुत दिनों बाद दिखाई विनोद ब्लॉग में, है ना, कई महीनों बाद। और ये जो हम लोगों ने की थी शॉपिंग, काम आ गई आज, शूज भी नए, ये भी नहीं, और हमारा देखो कितने साल पुराना है, 3 साल पुराना सूट, कल खुराना, ओ निकाल ली, हाँ। तो खुद ही निकालने, किसी का वेट नहीं किया। ये डबल है, डबल दो दो है, खा लेगी सारा। इतना बड़ा खा लेगी तू, चलो खाओ 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 खा लो, खत्म हो जाता है, एटीएम भी याद रखना, पैसे है नहीं। और मिठाई ले ली थी लेकिन फिर बाद में पेटीएम हो गया है, साइड वाले पे उसने पेटीएम करवा दिया। अच्छा पिछली बार इसने साइड वाले पे ही करवाया था, हाँ, पेटीएम है ना, हाँ साइड वाले पे पेटीएम करवा दिया, मतलब ये वैसे सिस्टम सही है, कैश ना हो तो। और आज मैंने काजल डाला है, काजल 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 वाली काजल वाली और ये है हमारा मिड मॉर्निंग स्नैक्स जो परी दिखा रही है, पाइनएप्पल एंड ग्रेप्स, तो अब ये खाएंगे हम मिड मॉर्निंग स्नैक्स में। और बाकी उसमें लड्डू है, बनाना है, लेकिन बाद में कम आएंगे, फिलहाल ये वाला फोकस करते हैं हम इस पे। क्या है कि हमें एटीएम नहीं मिला, पैसे थे नहीं, और जिस रास्ते से हमें आना था वहाँ पे कोई भी मतलब एटीएम नहीं था, और यहाँ आकर के हम एटीएम ढूंढने के लिए जब आए हैं तो यहाँ पे सारे ही एटीएम्स बंद हैं, एक तो संडे है और दूसरा शायद से यहाँ पे जो कर लो आप बात करो। और अभी हम जहाँ पे ये जो कुंडली बॉर्डर है वहाँ पर है, सिंगू बॉर्डर पर सॉरी, यहाँ पे जो सारे जो सरदार जी हैं वो जो इकट्ठे हो रखे किसान वहाँ पर हैं हम अभी, और बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, भीड़ क्या मतलब शायद बहुत ही लंबा है, बहुत लंबा, तो हम क्रॉस करके आ गए, हमारे पीछे भी है और आगे भी काफ़ी आगे है। और अभी मतलब अगर मैं दिखाऊँ तो आप लोगों को अभी दिखाती हूँ, ये देखिए सब मतलब आ ही रहे हैं, कोई इधर कोई उधर, तो थोड़ा सा मुझे तो डर लग रहा है। अभी जब हम आए थे रास्ते से, गांव से हम आए थे, वहाँ पे हमने देखा था, वहाँ पे मतलब जो दंगा कंट्रोल करने वाले जो होते हैं ना वो आए हुए थे, उनकी जो गाड़ी होती है वो खड़ी थी, और वहाँ से जो होते हैं ये सोल्जर जो होते हैं वो भी वहाँ पे खड़े हुए थे। और यहाँ पे पूरा सारा बंद है, आसपास का पूरा सब बंद है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं संख्या में यहाँ है, मोस्टली तो सरदार जी ही नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो एक एक्चुअली हुआ क्या ना कि एक दंगा यहाँ पर हो चुका है, जो एक बार हुआ नहीं था बीच में, किस लिए हुआ था वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, लेकिन वहाँ पे कुंडले के आसपास के जो गांव थे और वहाँ पर ये काफ़ी बड़ी मात्रा में ये दंगा हुआ था, अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ था, शायद लास्ट टू लास्ट ईयर हुआ था या रिसेंटली, मतलब याद है कि हाँ ये हुई थी चीज़ यहाँ पर कुंडली बॉर्डर के आसपास के इधर एरिया में, बहुत गंदे वाला था वो भी।
तो शायद उसी वजह से ही यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारी गाड़ियाँ वगैरह वो भी है। और ठीक है जो भी चल रहा है, बट पर्सनली मैं बताऊँ तो यहाँ पे मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चाहे वो कोई भी हो, मैं ये बोलूँगी मतलब बच्चों के साथ आप यहाँ पर ना हो, लेडीज जेंट्स जो भी है आना हो जिसको आओ, लेकिन हाँ बच्चों को इन्वॉल्व मत करो इन सब चीज़ों में। मुझे मेरी पर्सनली मतलब थिंकिंग यही है कि कहीं पर आप हर कोई सही नहीं होता ना, क्या पता कब क्या हो, तो उस सिचुएशन में बच्चों को यहाँ पे लाना सेफ नहीं है। मेरे साथ अब परी है तो मुझे उससे डर लग रहा है। साफ अभी शांत है, कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं, इतने दिनों से चल भी रहा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बच्चों को यहाँ पे लाना मेरे हिसाब से सही नहीं है चीज़ें, क्योंकि मैं देख भी रही हूँ लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पे आ रहे हैं, बड़े बच्चे हैं, नीरव जितने बच्चे भी हैं और भी बहुत सारे हैं मतलब, लेकिन बच्चों को लाना आई थिंक सही नहीं है। ये मैं दिखाती हूँ अभी आपको एक बार सिचुएशन। बाकी जो भी है विश यही करते हैं कि ये सब जल्दी से ख़त्म हो, ये बेचारे भी इतनी सर्दी में यहाँ पे है रोड पे अपने डिमांड को पूरी करके, हम जा रजाई में सोते हैं अंदर रूम में डबल डबल रजाई करके, वहाँ पे ये लोग मतलब यहाँ पे है इतनी ठंड में, बारिश भी हो रही थी अभी तो बारिश में ठंड में यहाँ पर रुके हुए हैं। तो जो भी जैसी भी सिचुएशन है जल्दी से बस अभी सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए, बहुत हुआ, काफ़ी टाइम हो गया है। ओह सॉरी तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार बाहर का। तो इधर आप देख रहे हो ये इसी तरह से ट्रैक्टर ट्रोलियाँ खड़ी है, और यहाँ पे एक हॉस्पिटल है और सामने दूर तक मतलब है, अभी तो काफ़ी कम हो गई है भीड़, बीच बीच में बहुत बहुत ज़्यादा आ रही थी, अभी तो भीड़ कम हो गई है, आने वाले जाने वाले सबकी लगी हुई थी, यहाँ पे बच्चों के साथ भी आ रहे थे। और दूसरा यहाँ पे कोई भी किसी ने भी मास्क वगैरह कुछ नहीं लगाया, कोई सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह कुछ नहीं है, तो ये भी एक खतरा है। बाकी तो चीज़ें है ही, साथ में ये जो कोरोना का है इस टाइम पे, ये सब चीज़ें बस सही हो जाए सारी चीज़ें, बस यही विषय है और जल्दी से ये सब खत्म हो जाए। ये देखो ये छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, है ना, लेडीज जेंट्स सब, वो तो चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चों के साथ यार थोड़ा सा मुझे रिस्की मामला लगता है यहाँ पर, क्योंकि कोरोना भी है ना और भी बीमारियां हैं, तो चलो बस जल्दी से खत्म हो यही विषय। और ऑलरेडी मतलब टाइम हो चुका है, 3 बजने वाले हैं एंड हम लेट हो चुके हैं, उसके बाद हमें अपने दूसरी सिस्टर के घर भी जाना है हमें, और परी नाराज होकर बैठी हुई है यहाँ पर छिपके, क्योंकि ये बात कर रही थी तो मैंने इसे बोला कि मुझे बात करने दो, आप लोगों से बात करना चाहते हो, मैंने बोला कि मुझे बात करने दो, तो ये नाराज हो गई है और वहाँ जा कर के बैठ गई है। और बहुत टाइम के बाद, शायद हफ्ता से ज़्यादा ही हो गया है, आज बहुत अच्छी धूप निकली हुई है काफ़ी अच्छी, और बस फटाफट से दे करके हम भागेंगे, फिर आधा पौना घंटा ही रुकेंगे और फिर निकलेंगे। तो चलो मैं बात करती हूँ, लो परू बात कर लो, परू बात करो बेटा, देखो सब पूछ रहे क्या हुआ, परू बोलो, परू बोला ऐसे नाराज नहीं होता, मेरा अच्छा बच्चा है ना, मेरी रसमलाई है, आना ऐसा। चलो मैं एक बार इसको मना लेती हूँ पहले, फिर बात करती हूँ। ये देखो अभी पूरा जाम हो चुका है, यहाँ से बहुत सारे ट्रैक्टर ट्रोली गाड़ियाँ आगे निकल चुकी हैं और ये पीछे पूरा जाम है, अब वो देखो पूरा जाम है, अब ये नहीं पता कब खुलेगा सही में यार, आज तो बुरे फंस गए हम। बहुत पीछे तक है ये लाइन, काफी लंबी लाइन है और आगे भी नहीं जा रही है, अब समझ ही नहीं आ रहा कि हम कहाँ से जाएंगे, पूरे फंस गए यार, सारा तो सारा ही दिन मतलब यहीं पे निकल गया है, और विनोद तो अभी तक आए नहीं है, पूछते हो चलो मैं एक बार कॉल करके कि एटीएम तो मिल गया था, पैसे उसमें मिले या नहीं मिले और कहाँ पर है, पूछती हूँ मैं एक बार। बोलना अभी करना बातें, हाँ कर लेना बातें अभी, हाँ और एरिक ठीक हो, आवाज बचाना इसकी, ठीक हो, किसी से ज्यादा बात कर रहा है ज्यादा, अच्छा क्या हुआ मामू, मामू आ गया, अच्छा मामू
देखो परू कैसे कर रहा है, कोई भी आ गई बातें कर रही, क्या बना दिया तुमने बड़ी भी हो गई ये छोड़ दे इसको। मम्मी सब आ गए क्या इतने दिन बाद है ना सुननी दिखा आए पैंट शर्ट में नजर आ साइज का हो रहा है इसकी तो फिर भी माफ हाँ वही ना साइज पे इसका लंबाई तो सही आओगी प्लाजो की कमर आ जाएगी सही अभी भूखा हो रहा है भूखा इग्नोर कर वेरी बैड और यहाँ पे उसके बाद हम लोग अपने छोटे वाले सिस्टर लोग के घर गए थे एंड उसके बाद हम लोग गुड़गांव आ गए थे एंड ये द्वारका सेक्टर 21 है जहाँ की सारी जो लाइट्स हैं स्ट्रीट लाइट वो ऐसे कर रही थी तो नीलम ने बोला मम्मा रिकॉर्ड कर लो भूत आया हुआ है यहाँ पर डालेंगे हम कि हाँ सेक्टर द्वारका सेक्टर 21 के वहाँ पर भूत आया हुआ था सारी लाइटें ऐसे कर रही थी तो मैंने उसके लिए रिकॉर्ड कर लिया था फिर आप लोगों के साथ भी शेयर कर लिया एंड रात को आने के बाद हम लोगों ने ब्रेड और जो ऑमलेट है वही बनाया था क्योंकि ज़्यादा कुछ भूख नहीं थी लेकिन भूख लगी भी थी लेकिन ज़्यादा भी नहीं थी तो इसलिए बस हम लोगों ने फिर ब्रेड एंड ऑमलेट ले लिया था विद चाय अराउंड 10 o'clock के अराउंड हम लोग आए थे तो फिर कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास तो बस यही था हमारा आज का ब्लॉग एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो पसंद आई थे तो लाइक कर दीजिएगा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इस कॉम्बिनेशन को आम के अचार के साथ खा के देखिएगा बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी लगता है तो चलो आप ये कॉम्बिनेशन ट्राई करना मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।